हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल ट्रैवल बटरफ्लाई पे आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी ट्रैवल से, फूड से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी और लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी, और मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। आई एम वेरी न्यू टू दिस, तो प्लीज़ आप लोगों की गाइडेंस एंड सपोर्ट मुझे चाहिए। तो कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड ज़रूर कीजिएगा और थोड़ी सी इग्नोर कर दीजिएगा। तो पहला ब्लॉग है, तो आई डिसाइडेड कि भगवान जी का नाम लेना तो बनता है, तो मैंने सोचा कि पहला व्लॉग मैं माता जी के टेम्पल से स्टार्ट करूं। तो मैं जो आज आप लोगों को दिखाने लगी हूं वो है काली माँ का टिब्बा, विच इज़ सिचुएटेड इन चायल। चायल चंडीगढ़ से अराउंड 106 किलोमीटर्स के अराउंड नियर बाय है। तो अगर आपको बाय कार आना है तो आपको 3.5 आवर के करीब लगेंगे, बट इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। वहाँ पर घूमने के लिए और भी बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेज है, सच एज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और बहुत सारे और प्लेसेस हैं। आपको अगर वहाँ पे पैराग्लाइडिंग करनी है, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल देयर, सो यू कैन ट्राई ऑल ऑफ दैट। बट मैंने सोचा कि लेट्स गो एंड हैव सम ब्लेसिंग्स फ्रॉम माता जी। तो मैं आपको काली का टिब्बा चायल जो टेम्पल है उसको दिखाऊंगी और आपको उसके बारे में बताऊंगी। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल, सराउंडेड बाय माउंटेन्स, और इतना अच्छा व्यू आपको मिलेगा ना वहाँ से कि आप जब मेरे साथ चलोगे और मैं आपको जब अपनी वीडियो में दिखाऊंगी तो यू विल एंजॉय इट। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और अगर कोई भी गाइडेंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधे चायल की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो टेंपल है ये सिचुएटेड है चायल शहर में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और ये जो चायल शहर है बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है, देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ ये शहर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लगता है। तो हम पहुंच गए हैं काली माता जी के मंदिर में। देखिए फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं। तो ये जो काली देवी माँ है ये यहाँ के स्थानीय लोगों की कुल देवी माँ थी। तो पहले लोग इन्हें पिंडिया रूप में, एक पेड़ के रूप में पूजा करते थे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक पेड़ है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मन्नतें बांधी हुई हैं, तो उस रूप में उन्हें पूजा करते थे पहले लोग। फिर 2003 के बाद यहाँ पे इस मंदिर भवन का निर्माण होना स्टार्ट हुआ, और अभी ये इतना विशाल मंदिर के रूप में बन चुका है। और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं। जैसे आप देख ही पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा भक्तगण यहाँ पे आए हुए हैं माथा टेकने। और ये मंदिर लगभग 500 ईयर्स पुराना है, तो काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और माता जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। और जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितना अच्छा व्यू है, दूर दूर तक माउंटेन्स हैं, इतनी अच्छी सनलाइट है, ग्रीनरी है जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा छू जाएगी। और मेरे पीछे मंकी भी है, तो आई थॉट कि चलो मंकी जी को भी शूट किया जाए। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, और यहाँ पे आके तो ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि आप आसमान के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, और अगर आप लोग भी आएंगे तो आप भी डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे। सो प्लीज़ गाइस आइएगा ज़रूर, और अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी आइएगा और यहाँ माथा टेकिएगा। और ये देखिए मेरे पीछे, देखिए
कितने माउंटेन्स है दूर दूर तक। और अगर आप विंटर में, फुल विंटर में यहाँ पे आएंगे ना, तो आपको पीछे के जो पहाड़ है वो फुल्ली बर्फ से भरे हुए दिखेंगे आपको। तो स्नोफॉल का भी आप मजा यहाँ पे आके ले सकते हैं। देखिए जो स्काई है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आसमान में आ गई। और एक और बात फ्रेंड्स, मैं आपको अंदर से मंदिर के दर्शन नहीं करा पाई क्योंकि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इस वजह से आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कितना ब्यूटीफुल व्यू है, और ये इतना वाइट और इतना ब्यूटीफुल है, इतना मेसमराइजिंग है कि मेरी आईज ना सनलाइट से बंद हो रही है, मैं प्रॉपरली अपनी आईज खोल भी नहीं पा रही हूँ। देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको माउंटेन्स दिखेंगे ब्यूटीफुल। देखिए आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे, देखिए तो फ्रेंड्स हो गए हमारे दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हुए माता जी के। अब चलते हैं घर की तरफ, बैक टू होम। सो फ्रेंड्स मैंने दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अंदर से एक अलग सा पीस फील हो रहा है, बहुत सुकून फील हो रहा है, एंड बहुत इंजॉय किया मैंने। एंड आई होप आप लोगों को भी मेरा ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवल बटरफ्लाई को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आती रहूँ और आपसे यूं ही मिलती रहूँ। और इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और आज का ये व्लॉग यहीं पे इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों में एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और मैं अपने नए व्लॉग के साथ जल्दी आप लोगों से मिलूंगी। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।